किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों मैं खेत में पहुंच गया हूं। देखिए घास ख़त्म हो गई कि हमारी की अब जा अपनी चमक रही बिल्कुल भी। भाइयों बहुत मेहनत करनी पड़ी, बिना खरपतवार नाशक के घास ख़त्म करना बड़ा कड़ा काम है। खुरपी निकलवाई, जुताई करवाई, जब जाके घास काबू में आई है भाइयों। अब तो उम्मीदें ही खो जाएगी इसमें। सबसे अच्छी बात है कि कहीं खेत खाली नहीं है, खोड में कहीं भी एक फुट की जगह खाली नहीं है, क्योंकि बीज बड़ा देख के साफ सुथरा बोना चाहिए किसान को। इससे क्या है, जमाव बढ़िया होता है भाई। ये देखिए ये 35 बीज है, इसका जमाव कितना बढ़िया, वो 38 है। ये 35 है, ये हम लाए थे मोल को, 2.5 क्विंटल आया था ये। एक का काक का काटते 5 दिलो दबा रहा है खेत में। ये भाइयों जमाओ तो कुछ करना, अच्छे जमाओ इस चीज़। एक तो खेत भी जानदार है गोरे का भाइयों, ये दूसरा इसमें DAP वगैरह वगैरह जो भी है दवाई किसान डालते हैं, हर किसान का अलग अलग फंडा है खाद डालने का, वो ही हम डालते हैं। भाइयों जमाव ब्याज बहुत ज़्यादा है इसमें, और 35 में देखो कितना फोसा हो गया खुड में। खुड नेड़े होते ना 26 इंच 28 इंच के, तो ये तो फंस जाता आपस में। 42 इंच पे जब भी ये आपस में मिल गए खुड़ पे, देखो ये भाइयों ट्रंच विधि का चला किस्सा। ये आ गया पेडी है आपका, तीवर सी पोता काटा, पेडी काटी आपके तीसरे पेडी है। ये 60 इंच की हमारी 5 फुट पर। भाइयों बालकों ने पावर टीले चलाया, पुनीत बबलू ने नुखरे इसका भी खाड़ा ही है। पुनीत के जंगा से लग गए चलते चलाते, तो गर्मी में नुखरा पापा हमने लावे लावा बिल्कुल भी पावर टीलर को। नौकर कोई चलाता नहीं, जिसने भी रखे ना उनके खड़े हो गए। अब जरा छूट दे रही ना फैक्ट्री, उसमें आया महिंद्रा वालों ने लिखा है कि मील वालों से लिखवा लाओ कि ये किसान है, सिर्फ ये लिखवाना है कि इसका बॉन्ड है या उसका प्रूफ दिखाओ। तो उन्हें 1,30,000 की छूट दे रहे हैं अभी, अब कंपनी वाले दे रहे हैं। तो अब ये नहीं है कि कोई फैक्ट्री दे रही नहीं दे रही, फैक्ट्री मतलब नहीं है वो, तो कंपनी दे रही है। कंपनी को अपना माल तो बेचना ही है भाइयों। तो भाइयों इसलिए वो जुगाड़ अच्छा लगा, किसान को आराम नहीं है बिल्कुल भी। रोज का काम में मजदूर मिलते नहीं है, किसान तंग आ जा, पर उसके लिए 60 इंच से कम नहीं होना चाहिए, चाहे 62 हो जा। कल एक भाई का मेरे पास सिरोही थे, इनका फोन आया, उन्होंने बताया अब जी हम 62 इंच पर गन्ना बो रहे हैं। मगर चलो अच्छी बात है, उनका महिंद्रा का छोटा ट्रैक्टर है। ये भाई ये देखिए, ये अंकित पूनिया ने पिड्डी है, बहुत अच्छी खड़ी है लेकिन घेंट की ज़्यादा है। ये 26 या 28 इंच में मेरे ख्याल में, इतने घेंट के में क्या फ़ायदा, बीज का नुकसान करना किसान को। किसान खुद तो तजुर्बा करना चाहिए भाइयों। ये देखिए कौन सा बीज है, बड़ा मरा है 201 जना, कौन सा है चौड़ाई वही है इसकी। इसमें पुनीत ने पेंडे दबे, पेंडे में गंडे भी नहीं होंगे तो अगले साल के लिए खेत तो भर जाएगा।
एक भाई है, मैंने बार बार बताया है वीडियो में, किसान भाई पोगा जरूर छोड़ना है, बाजा ठेकेदार नहीं छुटवाता उसे, एक आध रुपया बढ़ा दे भैया, पोगा छोड़ना तुझे, एक आध रुपया बीघा में बढ़ाने में कुंटल पर कोई फर्क नहीं पड़ता भाइयों। 80 कुंटल भी लिख दिया, 8 × 2 = 16, 160 रुपये से लेके पोगा बढ़ता है 1000 रुपये का। तो भाइयों ठेकेदार से भी पोगे छुड़वाएं, किसान भाई तय कर लें पहले, भैया ये पोगे छोड़ने पड़ेंगे, हमें चाहे पिड्डी हो या पौधा हो, जो गन्ना रोकना है ये हमें पता, अगले साल पिड्डी रखनी तो उसमें पोगे छुड़वा दें, तो पूरी फ्री की खेती होती है। ये देखो तसला भी दिया गया हमारी, हमने इसमें गन्ने गन्ने निकाल लिए, पोगे छुड़वा दिए थे, इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब जा सुबह सुबह ट्रैक्टर आ गया खेत में, गोबर लाते हैं, पुनी ने बुग्गी साफ कर दी बिल्कुल, यहाँ खड़ा छाव है पेड़ की, सदाबहार ट्रैक्टर में 80-35। पुनी बबलू झोटा लेके जा रहे हैं, कंट उसमें चलाओगे पर रहे राम 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 राम, पंडित के सामने टूबेल के, अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया भाई, मैं कल को वो दिखाता हूँ जिसमें कल पेट्रोल वो करता ना, पावर ड्रिलर चलाता उससे, वहाँ लेके चलता हूँ आपको भाइयों। मैं उस खेत में लिया, इसमें एक घास था, ये देखो कल इसमें कंट्रीब्यूटर निकाल रहा दोनों भाइयों ने, इसमें घास ख़त्म हो गया, कुछ तो खुरपी निकल गई थी, अब ये खुद रह रहे कंट्रीब्यूटर वगैरह, लेकिन अब उम्मीद लग गई हो जाएगी इसमें। मंडरा है सुमरू ठेकेदार घास काटने, ढालर काट ही रहा, फिर ना फिर मंडरा लेंगे निकल जाएगी फटाफट भाई जी। इस खेत में इतनी बर्सी पेड़ी है आपके, ये शादी विधि से बोया हुआ करना है, इसमें आज पानी चल रहा है, बिंदर ठेकेदार आ रहा है साइकिल लेके। भाइयों पाइपलाइन का बहुत फायदा है, अगर किसी भाई को अपने ट्यूबवेल पे से अपने चक में लाइन बिछवानी हो तो मुझे कमेंट कर दे, मैं मनोज का नंबर दे दूँगा, पूरी यूपी का ठेका उसी पे है मनोज पे, मेरी जुबान याद नहीं है नंबर, घर लिखा हुआ है, कोई भी फाइल लगवा सकता है। इसका नियम ये है, इसकी पहले पूरा पैसा जमा करना पड़ता है, हमने भी 2 लाख रुपए जमा करे थे, उसे खाते में ट्रांसफ़र कर दिए थे इसके मनोज के, बल्कि पुनीत तो डर रहा था कि कभी पैसा मर जाए जो हर वो है, मगर देखी जाएगी। तो भाई करीबन 1 महीना लगा हुआ वापिस आने में, हमारा पैसा जो था सब्सिडी हमारी वापस आ गई सारी। तो भाई आप यूँ ना डर रहे, जिस किसी को डर हो तो वो हमारे भी हमें बीच में ले लें, हमें जिम्मेदारी ले लेंगे लड़के की, गाँव का हमारे कहाँ जाए चबर के। तो भाइयों लाइन का फ़ायदा उठाएं, सरकार तेल दे पल्ला क्यों ना फल्ला, वो कहावत बिल्कुल सही है। तो भाइयों नाली से जान बच जाएगी, कुछ भाई सोचते होंगे ये रास्ता कैसा है, तो न तो चके भाइयों हमने छुड़वाया था, हमने कॉलोनी काटने का प्रोग्राम बनाया था, कॉलोनी फेल होगी उस टाइम पे 10-12 साल पहले, अब आए लहर हमारे यहाँ, तो हमने ये प्लॉट भी वापस ले लिए, उनसे पैसा दे गए, 3-4 बैनर में हुए थे हमारे, हमने वापस ले लिए, मगर भाई यहाँ कॉलोनी पिट गई तुम अपना पैसा लो। तो भाइयों अब देखिए अब मजा है ज़मीन को रोकने का, अगर किसी की बिल्कुल मौके पा रही है अच्छा रेट मिल रहा तो दे दो, लेकिन कहीं ना कहीं खरीद लो पहले ये देख लो। कुछ भाई क्या कर रहे हैं, मान ले 2 लाख बैना मिल गया, वो 2 लाख किसी और को फंसा दिए, आपका बैना मन नहीं हुआ या पैसा नहीं आया सारा, तो वो 2 लाख भी आपका वापस नहीं रहता, वो बैना मर जाता है, इसलिए जब तक पैसा ना अपने खत्म आवे पूरा, जब तक दूसरे को ना फंसा गर्दन ना फंसाए अपनी, ये भाइयों ध्यान रखने की बात है।
भाई, जब से हमारे यहाँ कॉलोनी कटने लगी दो तरफ कट रही है गाँव के, और बिल्डर घूम रहे हैं, मेट्रो निकल रही है, तो अब जब हमारा मन हो गया अब नहीं बेचनी, अब तो मजा लेना। ये हमारा FD बैंक में पैसा डालता है उसका डर रहता है, अपनी प्रॉपर्टी अब बढ़ रही है दिन रात। मैं क्या, हर भाई को यही सोचना चाहिए मेरी तरह, क्योंकि हमारा जो आगे जो बंस चलेगा ना, उनके लिए भी तो हमें कुछ करना, बच्चों के लिए क्या जाना पैसा है, हम टुड़क जाएं, उन्हें कोई ऐसा यार मिले पीने खाने पे लगा दे बालकों को, वो सब पैसा हड़प ले। इससे जो है प्रॉपर्टी रखो, ससुरा कोई नहीं हड़पेगा, ना बालक बिगड़ेंगे। बालकों को पहले लाइन पे लगा लो, ना हिला सिखा दो, जब उन्हें काम सिखा देंगे तो भाइयों वे अपना काम पे ध्यान देंगे। जरा आंसर है हमारा, छोटे से काम सिखा दिया हमने, हमें पता अफसर बनने का नहीं, हम सपने दिखाने लगे उसे PM बनाने के, तो वो बने नहीं और बिगड़ हो जाएगा। वो तो किस्मत है, किस्मत किसकी कहाँ ले जाए वो तो बाद की बात है। भाई देखिए, इसमें आज हल चला रहे हैं पुनीत बबलू, एक खुड वाला हल है, तो दो तीन तीन खुड निकाल देंगे इसमें गल कर, हर की जुदा होनी चाहिए, बस फिर तो मट्टी चढ़ेगी जमीन। ये देखिए भाई, भाई आपको वीडियो कैसी लगी जरूर लाइक करना, शेयर करना चैनल को, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना अगर पहली बार देख रहे हो, अगर सब्सक्राइब करना है तो फिर नहीं छेड़ना बिल्कुल भी। लेकिन मेहनत बहुत है भाई, दोनों बालक मारे लगे रहते हैं, चैनल का भी काम है, आराम नहीं है, पर रात को ही लौटते हैं, पूरे दिन दावे दावा। अभी 1 बजे 1:30 बजे घर जाएंगे। नमस्कार।